ये बहुत ही मीठी खुबानी है, यकीन करें। ये दाऊद भाई तोड़, ये देखें जी उज़ैर भाई की बस हो गई है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। चलो जी, तकरीबन रात पहुँचे हैं दोबारा होपर नगर से। जब वापस आए हैं तो वापस आके हमने पेट्रोल फिल करवाना था और एटीएम से पैसे निकलवाने थे, तो उन्होंने कहा कि आपको पीछे अलियाबाद जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ऊपर ही उसमें रुक जाते हैं। गणेश है मेरे ख्याल से, गणेश में ही रुक जाते हैं। अच्छा, हुंजा में एक चीज़ नोट किया, माशाल्लाह यार कितने प्यारे फ्लावर हैं। हुंजा में एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे फॉरेनर बहुत आता है। सुबह से मैं देख रहा हूँ तकरीबन कुछ या चाइनीज़ थे या थाई थे, कल भी जहाँ होपर नगर गए हैं वहाँ भी फॉरेनर आए हुए थे। टनल के लिए ममनुआ सामान, बारूद, जहरीला मवाद, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, हेडलाइट चुराई, 40 की रफ्तार बता रहे हैं जी ये। चलो जी माशाल्लाह चलते हैं। देख सकते हैं जी माशाल्लाह आताबाद देख, बहुत ही खूबसूरत लेक है। सामने से ये जो पीक्स है ना बड़ी बड़ी, अब मुझे इनके नाम तो नहीं याद, शायद ये लेडी फिंगर है, क्या क्या कहलाती हैं। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह, लेक का पानी यकीन करें ऐसे चमक रहा है ना माशाल्लाह से। अगर आप देखें तो सामने से, और मुझे लग रहा है इस साइड से रास्ता है या नहीं है। देख सकते हैं जी आप आताबाद लेक का इस टाइम क्या माशाल्लाह मंजर है, सुभान अल्लाह जी। बड़ी स्पीड है। अगर यहाँ पर अगर आप बोट वगैरह लेने चाहते हैं, ये एक बड़ी खड़ी हुई है, ये 10 सीटर है, ये तकरीबन बता रहे हैं कि 5000 की ये बुक होती है। मैंने कहा अगर 2% ने जाना हो या 3 ने जाना हो तो पैसे कहते हैं वही लगेंगे। इसी तरह एक वो जो 2 वाली है वो मेरे ख्याल से एक उनका बंदा होता है पीछे बैठता है, आगे आपको बिठाते हैं। उसमें जो लोकल है, लोकल की राइड जो है 5 मिनट की, वो मेरे ख्याल से 2000 की है, और जो इम्पोर्टेड वाली है जापानी है, जापानी की राइड मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं 3000 की राइड है वो।
वो सामने होटल है। इस होटल में अपने अपनी बाइकें खड़ी की हैं और सामान रिसेप्शन के ऊपर रखवाया है। अगर कोई भाई बाइक पे आ रहा है तो ये बेस्ट जगह है, इधर अपनी बाइक खड़ी कर दे रिसेप्शन पे, उनके पास अपना सामान वगैरह रखवा लें तो वो रख देते हैं। ये इसकी आप ट्रैकिंग देख लें जी, माशाल्लाह से ये सामने दाऊद भाई जा रहे हैं और डॉक्टर साहब साथ साथ जा रहे हैं माशाल्लाह से। टोटल ही ऐसे कह लें आपने हाइट ही गेन करनी है। अल्लाहु अकबर, हाइकर तो हम हैं नहीं, हमारा खुद अच्छा खासा जोर लग रहा है। ये अजीब बस कूची ट्रैक, जिसे अताबाद लेक ट्रैक भी कहा जा सकता है क्योंकि ये अताबाद ट्रैक के साथ ही है। ये जो लास्ट टनल है उससे क्रॉस करने से पहले ही आपने ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगाने के बाद ये बस कूची ट्रैक है। यकीन करें ये बहुत सख्त ट्रैक है, 1 घंटे की ट्रैकिंग है, 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। इनके साथ इनका गाइड भी होता है और टिकट भी है। ये देखें जी उज़ैर भाई की बस हो गई है, बहुत टफ ट्रैकिंग है। ये देखें सारे पहाड़, कुछ पहाड़ है। देखें पहाड़ किस तरह डेंजरस लग रहे हैं, पहाड़ कैसे डेंजरस हैं। ये अपने अभी वो पीक पे जाना है। इधर से आ जाओ, ले लो कुबानी लगी है, बाद में खाते हैं, जाओ ऊपर मिल जाएगी। ये जो कुबानी लगी हुई है, सात अंगूर ले आंदे चुपके, मैं सोचा भी सी देखें। इधर हमें खुबानी मिली है, पीक पे आके मिली है, पहाड़ों के खुश पहाड़ लगते हैं दूर से देखें। ये तो ये देखें आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें हम जब पीक पे आए हैं इधर घास भी लगा हुआ है और माशाल्लाह खुबानी के दरख्त लगे हुए हैं। माशाल्लाह ये खुबानी बहुत ही मतलब ताज़ी है और ख़ूबसूरत है। इसका कलर जो हम आम खाते हैं ना, उसका कलर मतलब कि पीला पीला सा होता है, इसका कलर रेडिश सा है। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मीठी है। ये देखें ऊपर पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब के सूखे पहाड़ हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो देखें इधर ग्रीनरी मिलती है आपको ऊपर आने से, कमाल की है। अस्सलाम वालेकुम जी, 1.5 घंटे की ट्रैकिंग की है, थक गए हम। बेसिकली ट्रैकर तो नहीं है, बस कुछ ही ट्रैक वाली ट्रैकिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पास कुछ भी नहीं था, नीचे जो मुकामी था एक भाई खुबानी लेके जा रहा था, कहता ऊपर जाए खुबानी बहुत है। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही मीठी खुबानी है, यकीन करें। ये दाऊद भाई तोड़ रहे हैं, ये आगे आगे साथ भी दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत जो नरम खुबानी है, मैं कहता हूँ इतनी मीठी है ना, इतनी मीठी है शहद से भी ज़्यादा मीठी है, कमाल की खुबानी है। ये देखिए जी कमाल है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये मैं कहता हूँ नज़ारे देखने हो तो बंदा यहाँ पे आए, कमाल हो गया, हमारी थकावट दूर हो गई है, सच्ची बात है। ये देखो ज़ाहिर भाई अब कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ट्राई करें। भाई ये मैंने फेंकी थी, नीचे गिरी थी तो अभी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। माशाल्लाह माशाल्लाह,
हमें एक आदमी ने कहा था कि अगर खुबानी तोड़नी है तो दरख्त को लाओ, और जो पक्की होगी ना वो सारी गिर गई है भाई, ये सारी ये देखें। अच्छा रखो, तो वीडियो ये आपने कच्ची वाली शामिल कर दी है, पहले वाली ये पड़ी थी कच्ची वाली। बहुत ही ज़्यादा हॉट ट्रैक है, पीछे एक भाई ट्रैकर मिले थे, वो यही बात बता रहे थे कि मैं भी ट्रैकिंग करता हूँ मगर ये ट्रैकिंग है ना स्टीप बहुत ज़्यादा है। सामने से माशाल्लाह नज़ारे चेक करें, अब ये नज़ारे खुलना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत स्टीप बहुत ही ज़्यादा है। तो बिगिनर के लिए मैं यही कहूँगा कि वो ना ही करे ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा बहुत स्टेमिना होना चाहिए। फाइनली जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रैक हमने बस कुछ ही ट्रैक कंप्लीट कर लिया। मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सांस चढ़ा होगा, यकीन करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह नज़ारे ही और हैं। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक वो पीक है, एक ये पॉइंट है, एक वो पॉइंट है जहाँ से मुकम्मल अताबाद लेक का व्यू, पसुकूंस और ये सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी पीक्स नज़र आ रही हैं। एक वो उस साइड पे ऊपर जो पीक्स है ना वो भी इस साइड से नज़र आ रहे हैं। इसके तीन चार पॉइंट्स हैं, एक वो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक इस साइड के ऊपर पॉइंट है जहाँ से ऊपर से मुकम्मल व्यूज़ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगे कम व्यू नज़र आएगा, बहुत टॉप पे आएंगे मुकम्मल पीछे तक आपको पहाड़ियाँ भी नज़र आएंगे। आपने जब इधर आना है तो अपने साथ पानी की बोतल साथ में लेके आएँ, या कुछ चॉकलेट्स वगैरह या कुछ खाने पीने का सामान लेके आना तो वो ज़रूर लेके आएँ। तो नीचे जो गाइड थे उन्होंने यही कहा कि अगर आपने इधर आना है खाने के लिए तो सामान मेहरबानी कीजिएगा यहाँ शॉपर बैग वगैरह ना फेंकिएगा। तो ट्रैकिंग उन्होंने ये बताया कि आज शुक्र अदा करें कि माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था जिसकी वजह से ट्रैकिंग का मज़ा आया है। अगर कहते इधर गर्मी होती तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस स्टीप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आपको इधर आने में भी परेशानी होगी। तो ये है कि अगर आप गर्मियों में आएंगे तो आप पानी अपने साथ लेके आएँ, और इधर मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से बादल भी आ सकते हैं और एकदम से मौसम भी चेंज हो सकता है। तो पानी या पानी छानी की बोतल आप साथ में लेके आएँ, एक आधा झरना बीच में आता है अगर आप वो वाला पी सकते हैं झरने का पानी तो ठीक है। बाकी यह है कि माशाल्लाह ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इधर से पीछे से वो जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो पसुकूंस की हैं, एक इस ग्लेशियर का नाम मुझे नहीं पता, इस साइड से उन्होंने कहा था बैक साइड से कि लेडी फिंगर है, वो लेडी फिंगर मेरे ख्याल से बादल ही बादल है ऊपर, लेडी फिंगर का व्यू मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक जाम हो गई है जी इस टाइम, बस कोची ट्रैकिंग पर भाई किधर से हैं। ये लोकल गाइड है, इनको ये रास्ता पता है, मगर आपने जो चलने वाला रास्ता है ना उसे नहीं छोड़ना। ये इसका ट्रैक जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर पकड़ कर जाना पड़ता है, क्योंकि राइट साइड पर आप देखें तो ये खाई ही बड़ी सारी है, ये छोटा सा ट्रैक है और है भी पथरीला। कोशिश कीजिएगा आपकी जो जोगर है ना वो उनकी ग्रिप नीचे से अच्छी हो, फ्लैट ना हो, फ्लैट बहुत ज़्यादा स्लिप होंगे यहाँ पर।
कि वापसी का जो ट्रैक है ना, बस कुछ ही ट्रैक का चलते होगा जी, बस कुछ ही टॉप का जो ये वाला ट्रैक है ना, ये टफ ट्रैक है, उतराई भी थोड़ी सी मुश्किल है और इधर से चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये रास्ता हम ऐसे कह सकते हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे बनाया हुआ ये वाला रास्ता, ये पकड़ पकड़ कर जाना पड़ रहा है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास हाइकिंग स्टिक लाजमन हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हाइकिंग स्टिक नहीं है तो थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, ये रास्ता मुश्किल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी, यहाँ से मुकम्मल क्या खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। टोटल अताबाद लेक यहाँ से नज़र आ रही है, और वो सामने गोप्रो पता नहीं क्या आपको यहाँ से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, पशु की पहाड़ियाँ।